एक बार नारद जी द्वारिका गए और द्वारिकाधीश से बोले कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया का दर्शन करना है, एक बार अपनी माया का मुझे दर्शन कराइए। भगवान बोले चलो। भगवान श्री कृष्ण नारद जी को लेकर जंगलों की ओर चले। चलते 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 घनघोर जंगल में भगवान श्री कृष्ण प्रवेश कर गए। नारद जी बोले, प्रभु बड़े थक गए हैं, थोड़ा विश्राम कर लो। भगवान बोले चलो विश्राम कर लेते हैं। अब एक पेड़ की छांव पे नारद जी और भगवान श्री कृष्ण दोनों विश्राम करने लगे। तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा नारद जी से, हे नारद जी, हमें बड़ी प्यास लगी है, क्या आप हमें पानी पिलाएंगे? नारद जी बोले, आप यहीं बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। आसपास कोई नदी होगी, सरोवर होगा, कोई झील होगी, मैं आपके लिए मीठा पानी लेकर आता हूँ। अब नारद जी गए पानी लेने। अब देखना माया कितनी प्रबल है। मैया ध्यान से एक अक्षर समझिएगा, कितनी प्रबल माया है भगवान की, कैसे उलझाती है वो आपको और हमें। इस कहानी के बाद कुछ समझाना नहीं बचेगा। माया को आप इतने करीब से समझ जाएंगे कि फिर माया के लिए आपको दूसरा एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नारद जी गए पानी लेने। एक कुआ में एक स्त्री पानी भर रही थी। वो स्त्री सुंदर थी। नारद जी गए थे पानी लेने। हे देवी, बड़ी प्यास लगी है, पानी पिलाओ। अब उस स्त्री ने पानी नारद जी को पिलाया। अब नारद जी उस स्त्री से बोले, आप कौन हैं? बोले, हम यहाँ के राजा की बेटी हैं। अच्छा, तो मिलाओ अपने राजा से। अब राजा से बेटी ने मिलवाया। नारद जी ने कहा कि आपकी बेटी बड़ी सुंदर है, मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। राजा ने कहा कि ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे ऋषियों को मेरी बेटी को आप स्वीकार करेंगे और मुझे आप जैसा दामाद मिलेगा। लो भैया, मुहूर्त निकाला गया और नारद जी भूल गए कि मैं पानी लेने आया हूं और उन्होंने विवाह उस लड़की से किया। लो भैया, विवाह हो गया। कुछ दिनों के बाद नारद जी के बच्चे हुए, एक बेटा हुआ, एक बेटी हुई। कहा जाता है कि नारद जी के 27 बच्चे हुए, पर मैं आपको कम बच्चों से ही समझाता हूँ। एक बेटा हुआ, एक बेटी हुई। एक बेटा और एक बेटी दोनों। कुछ दिन के बाद नारद जी के ससुर चल बसे और जब ससुर मरे तो नारद जी वहाँ के राजा बने, क्योंकि उनका कोई बेटा नहीं था, एक बेटी थी। तो नारद जी राजा बने और राज सत्ता को उन्होंने संभाला। और जब ससुर जी मरे तो नारद जी भी रोए, ससुर जी चले गए। जैसे आप लोग कोई मर जाए तो रोने पहले पहुंच जाते हैं, तो नारद जी भी रोए, फॉर्मेलिटी तो करनी पड़ेगी, रोए। पत्नी और बच्चों के साथ रहने लगे, राजा बन गए, प्रजा का पालन। एक दिन राजा ने मंत्री से कहा, नारद जी ने, सुनो मंत्री, जरा बताओ कि हमारी सीमा कितनी बड़ी है हमारे राज्य की। मंत्री ने कहा, महाराज, बगल वाला राजा हमारी सीमा को कुछ अपने कब्जे में ले रखा है, आप आज्ञा करें तो सेना तैयार करके युद्ध की तैयारी की जाए। नारद जी बोले, तैयार करो। सेना तैयार की गई, युद्ध की तैयारी। अच्छा, नारद जी ने पहले तो कभी युद्ध लड़ा नहीं था और नारद जी राजा बने, चले युद्ध करने। और सामने वाला राजा भी तैयार था युद्ध के लिए। लो भैया, दोनों राजाओं की लड़ाई हुई। इस लड़ाई में नारद जी की सारी सेना मारी गई, सारी सेना मारी। उस राजा ने नारद जी के सिंहासन पर कब्जा किया और नारद जी भागे, पत्नी और बच्चों को लेकर भागे। और भागे भैया नारद जी, यहां से वहां से वहां से भाग रहे, रो रहे हैं नारद जी, हे भगवान, मेरी सत्ता चली गई, मेरी गद्दी चली गई। छोटे छोटे बच्चे नारद जी के चिल्ला रहे हैं, भूख लगी है। नारद जी उनको खिलाने के लिए रोटी कहाँ से लाएं, दर दर की ठोकर खाने लगे, कोई रोटी देने को तैयार नहीं, जंगल में डोल रहे। एक नदी नजर आई, उस नदी के उस पार एक गांव नजर आया। नारद जी बहुत दिन से जंगल जंगल भटक रहे थे पत्नी और बच्चों को लेकर, बच्चे भूख से छटपटा रहे थे, बच्चे तो छोटे ही थे ना,
नारद जी की पत्नी बोली, प्राणनाथ मर जाएंगे अब ये बच्चे दोनों, यदि सही वक्त पर इन्हें भोजन नहीं मिला ये मर जाएंगे। नारद जी ने कहा, मैं जानता हूं मेरे भी बच्चे हैं। नारद जी रोने लगे, हे भगवान क्या करें, अब ये नदी पार करें तो उस तरफ गांव में कोई व्यवस्था हो, पर नदी में नाव नहीं। अब जैसे तैसे नारद जी ने लकड़ी की एक नाव तैयार की, जंगल की लकड़ियां लाई, बांधी, बच्चों को बिठाया और नाव। दुर्भाग्य देखिए कि वो नाव बीच नदी में जाकर डूबने लगी। नारद जी की पत्नी और बच्चे भूखे थे, वो डूबने लगे। नारद जी चिल्ला रहे हैं, बचाओ, कोई नहीं सुनता। नारद जी ने बचाने की बहुत कोशिश की, एक को बचाने जाएं तो दूसरा डूब जाए, दूसरे को बचाने जाएं तो तीसरी डूब जाए, पत्नी को बचाएं कि बेटी को बचाएं कि बेटे को, एक एक को बचाने के लिए बढ़े। आंखों के सामने नारद जी के उनकी बेटी डूब गई पानी में, मर गई। बेटा डूब गया, मर गया, और पत्नी आंखों के सामने डूब कर तड़प तड़प करके बच्चे मर गए। अब नारद जी जैसे तैसे पार लगे और किनारे खड़े होकर नारद जी रो रहे हैं, हे भगवान तुमने मुझे इतना दुख दिया, इतना कष्ट दिया, क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा, मारना था मुझे, मार दिया होता, इन बच्चों ने क्या बिगाड़ा था, रो रहे हैं नारद जी। अच्छा ये बताओ कि नारद जी कह रहे हैं मेरी पत्नी डूब गई, मेरे बच्चे डूब गए, तो जरा बताना ये पत्नी और ये बच्चे क्या नारद जी के थे? नारद जी क्या लेने के लिए आए थे? जोर से, जोर से, पानी। आए थे पानी लेने, आए थे किसी और काम से और उलझ गए किसी और काम में, बोलो हाँ। अब नारद जी रो रहे हैं, तब तक वहां भगवान आ गए और भगवान ने कहा, नारद जी पानी लेने गए थे, कहां रह गए? एक घंटे से हम वहां आपका इंतजार कर रहे हैं। नारद जी बोले, एक घंटा? अब एक घंटा हुआ? बोले हाँ, तो कितना? एक घंटे ही तो हुआ। नारद जी बोले, हे भगवान, एक घंटा में हमारे दो बच्चे हो गए? नारद जी का, भगवान का अभी एक घंटा हुआ था कि नारद जी के इस एक घंटे में शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, ससुर भी मर गया, गृहस्थी बस भी गई और डूब के मर भी गई। अब नारद जी को पता लगा कि राम राम, मैं तो पानी लेने निकला था और मैं कहां उलझ गया। अब नारद जी को पता चला कि मैं कौन हूं, मैं तो नारद हूं, मैं तो नारद हूं, और मैंने अपने आप को किसी का बाप समझ रखा था, मैंने अपने आप को किसी का पति समझ रखा था। भगवान बोले, यही मेरी माया है, आपने अपने आप को किसी का बाप समझ लिया, किसी की माँ समझ ली, जबकि आप किसी के बाप नहीं, आप आए किसी और काम के लिए थे पर यहाँ उलझ गए, वो नारद कोई और नहीं, आप सब वो नारद यहाँ बैठे हैं। कोई दो बच्चों में उलझा पड़ा है, कोई चार बच्चों में, किसी की पत्नी से कोई परेशान तो कोई पति से परेशान, आप वो हो ही नहीं जो आप अपने आप को समझ रहे हैं। नारद जी थे नारद जी, पर उन्होंने अपने आप को किसी का पति, किसी की पत्नी, किसी का परिवार, किसी का दामाद, किसी का राजा मान बैठा, यही अज्ञान है। ना मैं किसी का राजा हूं, ना मैं किसी का पति हूं, ना मेरा कोई बेटा है, जो कुछ है वो संपत्ति सब रघुपति के यहीं, सब कुछ भगवान का है, लेकिन मैं अपना माने बैठा हूं, इसलिए मुझे हर दुख का सामना करना पड़ता है। यदि आप अपने निज स्वरूप को पहचान जाएं कि आप कौन हैं, तो आपका सारा दुख दूर हो जाए। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तुम सुख की राशि हो, सुख के भंडार हो, ईश्वर के अंश हो, लेकिन तुमने अपने आप को पप्पू का पापा और उसकी गुड़िया और उसकी मम्मी और उसका भाई और उसकी बहन ये बनाए बैठे। मैं इसका बाप हूं, मैं इसका बेटा हूं, तुम किसी के बाप हो? सबका बाप भगवान त्वमेव माता च पिता त्वमेव, लेकिन तुमने क्या मान रखा कि मैं इस बच्चे का बाप हूं, मैं इस बच्चे की माँ हूं? तुम माँ हो, सबकी माता भगवान माता रामो मत पिता रामचंद्र, लेकिन तुम अज्ञानवश मान बैठी हो कि ये मेरा। नारद जी उलझ गए परिवार में, किसके कारण?
अज्ञानवश, अज्ञान मिटा तो अपने स्वरूप में स्थित हो गए। उसी तरह जिस दिन आपका ज्ञान मिट जाएगा उस दिन आप भूल जाएंगे कि आपका कोई बेटा कोई बेटी है। ये तो भाई शरीर के विकार हैं। जैसे शरीर से नाखून बढ़ता है तो आप बढ़ने के बाद काट देते हैं, बाल बढ़ते हैं बढ़ने के बाद आप काट देते हैं, शरीर में नहाते हैं तो मैल अपने आप छूट जाता है। जैसे शरीर का विकार नाखून के रूप में, बाल के रूप में, मैल के रूप में निकलता ही रहता है, ऐसे ही परिवार भी शरीर का, मन का एक विकार है। और इस विकार को आपने अपना परिवार मान लिया है, यही तो माया है। नारद जी उलझ गए उस परिवार में क्योंकि माया का पर्दा पड़ गया। ये माया का पर्दा उलझाए रखता है और ये माया तब तक पड़ी रहती है जब तक व्यक्ति भगवान की शरण में नहीं चला जाता। और नारद जी भगवान की शरण में गए, माया का पर्दा उठा, पहचान गए मैं नारद हूँ, ना कोई बेटा था ना कोई बेटी। नारद जी रो रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, मेरा बेटा डूब गया, मेरी पत्नी। और नारद जी को भगवान मिल गए तो रोना धोना समाप्त हो गया कि ये तो मेरा था ही नहीं। नारद जी क्या लेने आए थे, जोर से पानी, कहां उलझ गए परिवार में। ऐसे आप लोग संसार में भगवान को पाने आए हो लेकिन भगवान तो मिले नहीं, परिवार में उलझ गए, यही माया है। और ये माया तुम्हारे बाप दादों के पीछे पड़ी रही, अभी तुम्हारे पीछे पड़ी है और ये पड़ी पड़ी तुम्हारे बच्चों के पास जाएगी, फिर उनके बच्चे, सारे लोग ऐसी माया में उलझे रहेंगे। यदि बचना है तो भगवान की शरण में आओ और कहो कि हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। यदि आप ऐसे ही उलझे रहे तो आपके बाप दादे सब ऐसे उलझन में मर गए, किसी को रास्ता नजर नहीं आया। आद्य शंकराचार्य जी ने कहा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यदि बचना है तो भज गोविंदम गोविंदम भज, मूढ़ मते बचना है तो भगवान की शरण में चले जाओ तो बचना संभव है, वरना बच ना पाओगे। तो कितने लोग माया से बचना चाहते हैं, उठा लो हाथ। बचना चाहते हो तो बोलो हे नाथ, जोर से हे नाथ। देखो कितना स्लो बोलते हैं आप लोग, कोई व्रत व्रत चल रहा है क्या आपका? मैया बोलो जोर से हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। हे श्रीमन्नारायण, मैं आपको कभी भूलू नहीं। हे नाथ हमें अपनी माया से बचाइए। हे श्रीमन्नारायण, मैं आपकी शरण ग्रहण करती हूँ, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे नाथ हमें स्वीकार कीजिए, हे रघुनंदन हमें स्वीकार कीजिए, हे श्याम सुंदर हमें स्वीकार कीजिए, शरण में चले जाओ। जो उनकी शरण में है उनके बाल भी बांका नहीं होता। विभीषण शरण में आ गए बाल भी बांका ना हुआ, सुग्रीव शरण में आ गए बाल भी बांका ना हुआ, बस शरण में जाने की बात है।